आज हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनी बेसेंट भारत को अपनी मातृभूमि समझती थी। विवाह के बाद जह अंग्रेज और भारत को अपना लेने के कारण जह भारतीय कहलाने लगी। मूल रूप से जह आयरिश थी। एक प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट समाज सुधारक एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम प्लाप्तस्की और कर्नल अलकाट के प्रयासों द्वारा की गई थी। भारत में इसकी शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित हुई, जिसका मुख्यालय अडयार में था। भारत में एनी बेसेंट का आगमन 1893 ईस्वी में हुआ। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट के प्रयासों से ही हुआ था। अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट एक लेखिका भी थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक दो पत्रों का प्रकाशन एनी बेसेंट के प्रयासों द्वारा ही किया गया था। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जो आगे चलकर मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। कब बना? 1916 में। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी। उस टाइम वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था। देशवासियों ने एनी बेसेंट को माँ बसंत कहकर सम्मानित किया, जबकि महात्मा गांधी ने उन्हें बसंत देवी की उपाधि से विभूषित किया था। इस प्रकार एनी बेसेंट का चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।